हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज का चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो याद ज़रूर कर लेना। वैसे तुम आलसी लोग मुझे नहीं लगता कुछ याद भी करते हो, पर फिर भी बता रहा हूँ याद ज़रूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं एक गवर्नमेंट ऑर्डर को, जिससे कि हम इस चैप्टर को समझ पाएंगे। 13 अगस्त 1990 को इंडिया की गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया, जिसे कहा गया ऑफिस मेमोरेंडम। इसके अकॉर्डिंग 27% जॉब रिजर्वेशन दी गई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। तो पहले ये सिर्फ SC और ST को दिया जाता था, अब इन्हें भी दिया जाने लगा। तो जनरल के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज थे इससे, तो काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स हुई इन पर। सो इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमीशन अपॉइंट किया, जिसे कहा गया सेकेंड बैकवर्ड कमीशन 1979 में, और उसके लीडर थे BP मंडल। सो उसे कहा गया मंडल कमीशन, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 1980 में। वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में डिस्कस्ड हुई, उसके बाद जनता दल ने चौका मार दिया मौके पे और कहा कि हम लोग ये सब ठीक कर देंगे, और वो इलेक्शंस जीत गए 1989 में। VP सिंह जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने डिसाइड करा इसे इम्प्लीमेंट करने का। सो उसके बाद गाइज 6 अगस्त 1990 को ये कैबिनेट ने डिसाइड किया कि हम लोग भी इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने बोथ हाउसेस को एक स्टेटमेंट के द्वारा इन्फॉर्म किया कि हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो बोथ हाउसेस में काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स हुई, और फाइनली ये डिसीजन लिया गया कि ये केस अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इसका नाम दिया गया इंदिरा स्वाने एंड अदर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडियन केस। सो फाइनली 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाए कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ, मतलब कुछ चेंजेस के साथ, और कहा कि ये वैलिड डिसीजन है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि फाइनली ये डिसीजन ले लिया गया और इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया, पर इसे लेने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा। सो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये डिसीजन सिर्फ किसी एक पर्सन ने लिया होगा? नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा पर्सन्स ने मिलकर लिया है। तो चलिए अब देखते हैं इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। सो गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा टास्क करने होते हैं, सो उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा अरेंजमेंट्स करती है, और आजकल ये सभी मॉडर्न डेमोक्रेसीज में होते हैं। इन अरेंजमेंट्स को कहते हैं इंस्टीट्यूशंस। सो इंस्टीट्यूशंस की हमारे देश में ज़रूरत क्या है, चलिए ये देखते हैं। सो दोस्तों गवर्नमेंट को काफ़ी सारी ड्यूटीज़ करनी होती हैं, कुछ फॉर्मुलेट करनी पड़ती है पॉलिसीज़, और कुछ उन्हें लागू करना होता है। सो कुछ लोग तो डिसीजन लेते हैं, कुछ लोग उसे इम्प्लीमेंट करने का तरीका ढूंढते हैं, और कुछ लोग उसे फॉर्मुलेट करते हैं। सो इन्हीं सब रीजंस की वजह से हमें इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं इंस्टीट्यूशंस वर्क कैसे करते हैं। सो हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन ने काफ़ी सारे रूल्स, पावर्स और फंक्शंस दी हुई हैं इनको वर्क करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट सारे डिसीजंस डिसाइड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिस्प्यूट रिसॉल्व करती है सिटीजंस और गवर्नमेंट के बीच में, गवर्नमेंट और सिटीजंस के बीच में, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो सभी स्टेप लेते हैं उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मिनिस्टर्स ने दिए हैं। इंस्टीट्यूशंस होते हैं लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट और जुडिशरी। ये सब आपने विस्तार से 8th क्लास में पढ़ा होगा, पर इस साल भी पढ़ लेते हैं। असेंबली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की कहलाती है पार्लियामेंट, ये बिहाफ में होती है पीपल्स के, और नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट कहलाती है, और स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली। तो चलिए अब हम देखते हैं नीड ऑफ पार्लियामेंट। सो ये फाइनल अथॉरिटी है एक कंट्री का जो लॉ बनाती है। ये कंट्रोल करती है गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पे, मतलब उनके खर्चे पे, कंट्रोल करती है पब्लिक की मनी को जो हमसे कलेक्ट की गई होती है टैक्सेस के द्वारा, और ये हाईएस्ट फॉर्म होती है जहाँ पर डिबेट्स होती है पीपल की, और ये इश्यूज सॉल्व करती है और पॉलिसीज डिसाइड करती है। तो जनता लोग, अब बात करते हैं पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा। सो राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा को, और उसे कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और लोकसभा को इलेक्ट करती है डायरेक्टली पीपल। सो लोकसभा के डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं पीपल, और उन्हें कहते हैं हाउस ऑफ पीपल। तो दोस्तों लोकसभा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मनी मैटर्स में, वो कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, उसमें ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, और उसे कहते हैं लोअर चैम्बर। अब लगेगा कि राज्यसभा में ज़्यादा पावर है क्योंकि उसे अपर चैम्बर कहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। सो राज्यसभा मोर इम्पॉर्टेंट है मैटर्स कंसर्निंग द स्टेट्स में, स्टेट्स के मामले में राज्यसभा है क्योंकि वो स्टेट्स की होती है, और उसे कहते हैं अपर चैम्बर। लोकसभा जो इलेक्ट होती है वो 5 ईयर्स के लिए होती है, और राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है, और 1/3 मेंबर उसके हर 2 ईयर्स में रिटायर होते हैं, और राज्यसभा के मेंबर्स का टर्म होता है 6 ईयर्स। तो यार सही बताऊँ ना, मैं तो काफ़ी ज़्यादा बोर हो गया हूँ, आप लोग भी हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। भाई शुक्र है तुमने रेस्ट दे दिया, मैं तो कहना ही वाला था अब ये सब लिख के याद कर लेता हूँ, उतने अगली वीडियो लाओ तुम।